इवोल्यूशन हम सबसे पहले एक एक करके के बारे में जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है, बाद में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में जानते हैं, हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ सम कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। ओके, पेरेंट्स में से उनके चिल्ड्रन में कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन सेक्स सेल्स दैट इज गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स। हेरिडिटी की जो इंफॉर्मेशन और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट सेल्स में होते हैं। पेरेंट सेल्स को जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम गैमेट भी कहते हैं। दैट मींस ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन आर नोन एज हेरिडिटी, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। वेरिएशंस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब चेंजेस इंसान की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उनके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं, उनके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द फ्यूचर। जनरेशन कैन सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट, कि वो फ्यूचर में जो एनवायरमेंट जैसे चेंज होगा उस एनवायरमेंट में वो रह सकते हैं, उसको जो चेंजेस उनकी बॉडी में नेचुरली होते हैं उन चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस के ऊपर जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वेरिएशंस किन चीजों में होते हैं, वो वेरिएशन उनके जेनेटिक कैरेक्टर में होते हैं। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। जो पेरेंट से जो नई जनरेशन डेवलप हो रही है आगे, पेरेंट और चाइल्ड में जो डिफरेंसेस होते हैं, उनके कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएशन। उन चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल तौर पे समझ सकते हैं, सम पीपल हैव हैंगिंग ईयर लोब, देयर ईयर लोब इज हैंगिंग। ओके, एंड we can say that if this is the ear and this is the face of the person, so this kind of lobe is hanging ear lobe. This is hanging ear lobe. And suppose this is the face of a person and this lobe is connected. This is the ear, here it is the ear. So this lobe is directly attached. So this is attached lobe and this is hanging lobe. We can see here, this is separated from the mouth of the person. So this is hanging lobe and this is attached lobe. Okay, so this is a kind of variation we can see in the person. Then we see why variation is necessary. Variation ki kya zarurat hoti hai. So here we read, it is a necessity for organic evolution. Now what does this term means? Organic evolution का मतलब क्या होता है? Organic मतलब organism, evolution means नया organism का develop होना, नई characteristics के साथ में नई जाति के species वही होगी but उनमें जो changes के साथ नई generation का develop होना, उसको हम कहते हैं evolution। अब evolution किस पे depend करता है? Variations पे। इसका बहुत ही सिंपल सा हम एग्जांपल अगर समझने की कोशिश करें तो हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्ली मैन कैसा दिखता था और आज ह्यूमन बीइंग कैसा दिखता है, क्यों इतना चेंज आ गया, दैट इज ड्यू टू द वेरिएशन। उनकी रेगुलर जनरेशन बाय जनरेशन जो उनकी जनरेशन चली, आगे डेवलप हुई, हमारी ह्यूमन बीइंग्स जनरेशन आगे बढ़ती गई, उनमें वेरिएशन आते गए और ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें चेंजेस आते चले गए। So we can say that for organic evolution, variation is necessary. It increases the chances of survival of species in a changing environment. और variation की वजह से ही जो species है वो इस changing environment में survive कर सकते हैं, otherwise वो इस changing environment में survive नहीं कर पाएंगे। अगर temperature day by day बढ़ता जाएगा but जो ऑर्गेनिज्म है वो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, सो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्वाइविंग इन हीट इन फ्यूचर। सो फॉर दैट
बॉडी नीड्स टू बी डेवलप्ड, बॉडी में ऐसे चेंजेस आने चाहिए कि वो फ्यूचर में जैसा भी एनवायरनमेंट में चेंज हो, जैसे हमने हीट के ऊपर एग्जांपल लेकर बात किया, सो हीट हो सकता है या दूसरे कुछ एग्जांपल, दूसरा कुछ चेंज हो सकता है एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर सके, सरवाइव कर सके, तो उसके लिए वेरिएशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ पे वही एग्जांपल देखते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन। जो हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन होता है, दैट मींस के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हीट को लेकर, हीट को रेजिस्ट करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए जो चेंज आता है, जो वेरिएशन आता है इन सम बैक्टीरिया आदि से, विल अगर उस बैक्टीरिया के अंदर वो हीट रेजिस्टेंट कैरेक्टर ज्यादा कलेक्ट हो जाए, उसका एक्युमुलेशन हो जाए, यानी वो ज्यादा कलेक्ट हो जाए उस बैक्टीरिया के अंदर, हीट रेजिस्ट करने वाला वेरिएशन जो है वो कलेक्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि एंश्योर इट्स सर्वाइवल इवन व्हेन द टेंपरेचर राइजेस टू मच। तो हम ये कह सकते हैं कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगा भले ही टेंपरेचर कितना भी बढ़ जाए, क्योंकि उसके अंदर हीट रेजिस्टेंट जो वेरिएशन है वो ज्यादा हो गया है, वो हीट को रेजिस्ट कर सकता है। और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें वो चेंज नहीं आया है वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड वुड डाई। सो द बैक्टीरिया विच डिड नॉट हैव दिस वेरिएशन वुड नॉट सर्वाइव एंड die. Now we talk about the features. We call these features or the characters in the organisms. So हम यहाँ पे बात करते हैं पी प्लांट की। जैसे हम कुछ प्लांट्स देखते हैं वो टॉल होते हैं, सेम स्पीशीज, बट वो प्लांट टॉल ग्रोथ हुई उसकी, दूसरा प्लांट है वो डार्क हुआ। कुछ सीड्स राउंड होते हैं, कुछ सीड्स रिंकल्ड होते हैं पी प्लांट के भी, कुछ सीड्स पी प्लांट के येलो होते हैं और कुछ सीड्स ग्रीन होते हैं। सो यहाँ पे हम जो कैरेक्टर्स देख रहे हैं, यहाँ हमने हाइट देखा, यहाँ पे हमने उसका शेप देखा, यहाँ पे हमने उसका कलर देखा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स। हाइट इज अ कैरेक्टर, शेप इज अ कैरेक्टर, कलर इज अ कैरेक्टर। ओके, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अब हम कुछ एक टर्म्स के बारे में जान लें, जैसे कि एक टर्म है क्रोमोसोम, जीन। सो क्रोमोसोम के बारे में पहले जानते हैं, व्हाट इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड दीज कैरी द जीन्स। ये डीएनए के बने हुए, फॉर्म्ड ऑफ डीएनए, डीएनए से बने हुए होते हैं, एंड which DNA means diribonucleic acid. Okay, so ये DNA के बने होते हैं, which carries genes. DNA पर ही genes attached होते हैं. So chromosome का structure हम यहाँ पे देख सकते हैं, such kind of chromosome, such kind of thread-like structure is known as chromosome. इसको हम chromosome कहते हैं, और ये nucleus के अंदर होते हैं, cells के nucleus के अंदर chromosomes होते हैं, जिनके ऊपर जो ये chromosomes डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए में ही जीन्स होते हैं, जीन्स में ही हमारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है। अब हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटी सी यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं जीन, विच गवर्न्स सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, जो जीन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इट गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन, एक प्रोटीन का सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और दैट मींस एक प्रोटीन को, एक प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हर कोई जीन हमारे हर एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, दैट मींस वन जीन कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोटीन विल कंट्रोल द, वो जो प्रोटीन होगा वो कंट्रोल करेगा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को उस ऑर्गेनिज्म के। दे आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये जो जीन होते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं। दैट मींस ये जीन ही कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जीन्स, जीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं जीन्स,
डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है? जो रूल करता है, रूल करता है मींस उसी की इंफॉर्मेशन की वजह से वही कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में शो होता है। दैट मींस इफ यू टॉक अबाउट आवर कैरेक्टर हाइट, ओके, सो हाइट में हमने देखा टॉल भी हो सकते हैं और डार्क भी हो सकते हैं। दैट मींस इन दोनों में से टॉल और डार्क में से कौन सा कैरेक्टर है जो शो अप करेगा, कौन सा कैरेक्टर जो रूल करेगा और कौन सा कैरेक्टर है जो अंडर में रहेगा, रूल नहीं कर पाएगा। सो इन दोनों कैरेक्टर्स में से जो टॉलनेस है उसको हमने कैपिटल टी से शो किया है और जो डार्कनेस है उसको हमने स्मॉल टी से शो किया है। व्हाई, ऐसा क्यों? जो टॉलनेस है वो अगर दोनों जीन्स जो है वो अगर टॉल होते हैं तब भी प्लांट टॉल होगा, अगर अल्टरनेट होते हैं तब भी प्लांट टॉल ही नजर आएगा फिजिकली। दैट मींस द जीन व्हिच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन, अगर अल्टरनेटिव जीन है मींस विद द टॉल जीन देयर इज अ डार्क जीन शोइंग हियर, लेकिन रूल जो कर रहा है वो टॉल जीन रूल कर रहा है, दैट मींस फिजिकली द प्लांट विल बी tall. So this tallness is character of tallness and the gene of tallness is dominant. Okay. So ये gene dominant है इसलिए इसे हमने capital में show किया है. Now we talk about recessive gene. Recessive gene मतलब जो under में रहेगा, जो dominant नहीं हो पाएगा, rule नहीं कर पाएगा. वो rule तभी कर पाएगा जब उसके साथ में identically same to same उसके साथ में जो है small that is darkness का ही जीन हो। It decides the appearance of organism in the presence of identical gene. जब दोनों जीन सेम होंगे तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा। That means a dark plant will be physically only when both the characters, both the genes are of darkness. Dark plant में तभी वो शो कर पाएगा जब दोनों उसके कैरेक्टर जो होंगे जीन्स के वो डार्कनेस में होंगे। दैट मींस दिस द जीन ऑफ डार्कनेस इज अ रिसेसिव जीन और टॉलनेस वाला जो जीन होता है वो डोमिनेंट जीन हो जाता है। इट डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल जीन, जब दोनों सेम होंगे तभी वो अपना कैरेक्टर शो कर पाएगा फिजिकली। वो डार्क तभी होगा जब दोनों जीन उसमें डार्कनेस के होंगे। दैट्स व्हाई दैट दिस जीन इज नोन एज रिसेसिव जीन। नाउ वी टॉक अबाउट द मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। नाउ हु वाज मेंडल? ग्रिगोर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रिगोर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स को स्टडी किया था उन्होंने अपने गार्डन में। सो और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने किस चीज का स्टडी किया था? उन्होंने स्टडी की थी पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। व्हेन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब डेवलप कर की जाती है तब उसमें किस तरीके के नए प्लांट्स डेवलप होते हैं, उन्होंने पी प्लांट पे किया था। तो उन्होंने एक वैरायटी से जब जनरेशन पहली जनरेशन बनाई तब उनको किस तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिले, फिर उन्होंने उसी जनरेशन में से एक और आगे नई जनरेशन को डेवलप किया तब उन्होंने कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टर्स उनको कैसे मिले उन्होंने उस पर स्टडी किया और तब उन्होंने ये पाया कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो पेयर में चलता है उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। तब उन्होंने पूरी स्टडी बताई एंड दैट स्टडी वॉज पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। किस पैटर्न में एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, जिस पैटर्न में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडिटी के कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं। दैट मींस इनहेरिटेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। दैट मींस इनहेरिटेंस का मीनिंग यहां पे दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी मींस कमिंग जनरेशन। ही यूज्ड पी प्लांट्स। Now another term we talk about hybrid and then inheritance. हमने अभी यही पढ़ा
हाइब्रिड मींस अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अ प्लांट। अगर आप दो अलग अलग वैरायटी दे देते हैं प्लांट की, उनको क्रॉस करवाते हैं, उनको ब्रीड करवाते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, उसको कहा जाता है हाइब्रिड। उससे जो नया प्लांट बनेगा उस प्लांट को हम कहेंगे हाइब्रिड प्लांट। लाइकवाइज जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया और एक डार्क प्लांट लिया, इन दोनों को अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो जो नया प्लांट बनेगा उसका जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे हाइब्रिड फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस? आई होप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इनहेरिटेंस इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। सो द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, और वी कैन से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इज नोन एज इनहेरिटेंस।